Hello students, welcome to Unique Educations. I'm your educator Roshan Agrawal. Today's topic is Introduction to Business. All important multiple choice questions are there. It is important for your DSSSP PCT commerce examination. All the content are related to commerce. तो यहाँ पे हम लोग जितना भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपके पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कुछ सीरीज़ कराऊंगा, जिससे आपका ये एग्ज़ाम में बहुत आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा और साथ साथ ये आपके एग्ज़ाम जो होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण DSSSP का एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया है और इसका जो नेक्स्ट डेट है वो अभी तक आया नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो होपफुल वो जल्दी ही आ जाएगा, बट प्रिपरेशन तो करते ही रहना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आता हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर वन है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। तो इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्लासिफिकेशन जो बिजनेस होता है वो दो टाइप में होता है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स इंडस्ट्री। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, दूसरा सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज़ टर्सरी सेक्टर्स। देन अगेन कॉमर्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। आफ्टर दैट we will discuss in this topic profession, employment, small scale business, large scale business. But first of all, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि पहले मैं important question के series लाऊंगा, उसके बाद मैं इस पर related आपको notes भी provide कराऊंगा, साथ साथ एक video lecture के through मैं वो पूरे notes को अच्छे से समझाऊंगा, जिससे वो वीडियो देखने के बाद आपका ये जो चैप्टर्स है उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस को करने का पर्पस टू अर्न मनी होता है, ये एक सिंपल सी बात हुई जो आप लोग जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द टर्म बिजनेस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, देन हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में पढ़े हैं कि द टर्म बिजनेस जो है वो बिजी से डिराइव होता है, बिजी प्लस नेस यहाँ पे होता है बिजनेस का। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हु अमंग द फॉलोइंग गिव द डिफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में भी डिफाइन एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग एज एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एलएच हैने ने बोला था, ये यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किया हुआ है उसको आप ध्यान में रखेंगे, प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग का वर्ड जो है वो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसी से आप टैकल कर देंगे कि ये जो है वो एलएच हैने का है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि एनी एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी ऑफ लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड वो कौन सा एक्टिविटी होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो पर्पस होता है मनी अर्न करने के लिए या लाइवलीहुड के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस। तो यहाँ पे बोला था कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता, बट यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रॉफिट अर्निंग, परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीनों बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसमें से नन ऑफ दीज आंसर होगा। सिक्स वन मेरा क्या है, वॉट इज़ द इशेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है इसका, जो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये तो है ही। उसके बाद है नेक्स्ट है मेरा अर्निंग प्रॉफिट, तो ये भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो अर्निंग मनी होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन में नहीं जाना, ये गलत किया हुआ है। यहाँ सेकेंड ऑप्शन होगा इसका आंसर, अर्निंग मनी होगा। जैसे कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे जो एसेंशियल और जो प्राइमरी
जो सबसे पहले जो अगर कोई बिजनेसमैन शुरू करता है बिजनेस तो उसका फर्स्ट मोटिव होता है अर्निंग मनी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर ओरिएंटेड, देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ आंसर होगा। कस्टमर को सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके बिजनेस से, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको कंसीडर करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोडक्टिविटी कैन बी मेड बेटर ओनली व्हेन अवेलेबल रिसोर्सेज आर प्रोबेबली यूटिलाइज्ड। तो ये सही है कि बेटर हो सकता है प्रोडक्टिविटी, है बहुत अच्छा बेटर हो सकता है जब अगर प्रॉपर रिसोर्सेज है। बिजनेस इज एक्सपेक्टेड, सेकंड दिया है बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ टू स्कार्स रिसोर्स। यहाँ पे तो इसका सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ मेनली कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिजनेस डील इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, देन फर्स्ट तो सही है ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, देन फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ करेक्ट एंड थर्ड वन इज़ रॉन्ग। जो थर्ड वन जो दिया है मेरा, एवरी बिजनेस मैन इज़ फ्री फ्रॉम रिस्क। तो बिजनेस मैन का रिस्क होता है भैया, ऐसा नहीं है कि वो बिना रिस्क ही कोई बिजनेस करता है, तो ये तो गलत बात है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट। एकदम सही, सही बात है। सर्विस इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये एकदम बिजनेस में ये तीनों सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। द टर्म बिजनेस डिराइव फ्रॉम बिजनेस, देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों सही है ऑल ऑफ दीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मार्केट स्टैंडिंग। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे क्या है ना कि इंटरप्राइजेस का पोजीशन पूछ रहा है उसके कॉम्पिटिटर के रिलेशन में, तो यहाँ मार्केट स्टैंडिंग ही होगा इसका ऑप्शन सही, क्योंकि सर्वाइवल तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है। ग्रोथ ये भी ज़्यादा सुटेबल नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा मार्केट स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सक्सेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो मेजर किया जाता है उसके ग्रोथ रेट से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पे है ऊपर है, थोड़ा सा वेट अ मिनट, यहाँ देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी एज द पर्पस ऑफ बिजनेस इज नॉट ओनली अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। यहाँ याद रखना है इस वाले लाइन को, डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके हेनरी फ्यूल द्वारा बोला गया है। और ये लाइन से ही आप याद रखेंगे कि डिस्चार्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन था, तो हेनरी फ्यूल था। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द ड्यूटी टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। ये बिजनेसमैन का काम होता है, यहाँ पे शॉपकीपर, गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 15 का वन सुटेबल है, ये बिजनेसमैन का काम है कि वो प्रोड्यूस और सप्लाई प्रोडक्ट करे और वो जो है क्वालिटी उसका जो है वो सेटिस्फाई करे कस्टमर को और एक्सपेक्टेशन को उसका। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सामने दिया सिंथेटिक, उसके बाद इंटरनल ट्रेड रिटेल, एक्सटर्नल ट्रेड इंटरपोर्ट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड एडवर्टाइज। यहाँ पे ये गलत गलत दिया है, आपको इसको सही करना है। तो होगा क्या,
सॉरी, ये सही, मतलब ये चारों ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एकदम लाइन से सही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सिंथेटिक जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा, इंटरनल ट्रेड आएगा, रिटेल में एक्सटर्नल ट्रेड आएगा, इंटरपोर्ट में और ऑक्सिलरी टू ट्रेड आएगा, एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग ऑक्सिलरी टू ट्रेड में वो सारा चीज़ आता है जो बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस को क्या करता है ग्रो करने में हेल्प करता है, वो सब सारा चीज़ ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आएगा। 17 नंबर में आ जाएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स द मैकेनिकल अप्लायंस द एंड टेक्निकल स्किल, देन यहाँ पे इंडस्ट्री होगा आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स, किसको मैकेनिकल अप्लायंस एंड टेक्निकल स्किल का जरूरत होता है, वो एक इंडस्ट्री का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न, यहाँ पे ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विथ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में ये काम होता है। जब हम लोग देखते हैं कि वो जब रॉ मटेरियल को आपका यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं आगे, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया, उसमें कंसीडर करना है कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो एंटी सोशल प्रैक्टिस, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्लॉइट पीपल, तो ये बात तो एकदम सही है। ये एंटी सोशल प्रैक्टिसेस और ब्लैक मार्केटिंग तो एक्सप्लॉइट करता ही है पीपल को। नो बिजनेस एंटरप्राइज, सेकेंड वन इज नो बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन फ्लरिश इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन, ये एकदम सही बात है कि इनोवेटिव माइंड के बिना कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस बहुत ग्रो नहीं कर पाएगा, फलफूल नहीं पाएगा, फ्लरिश नहीं कर पाएगा। द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मेजर्ड बाई द ग्रोथ रेट, एकदम गलत, क्योंकि ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो ग्रोथ रेट से ही मेजर किया जाता है। इसका फर्स्ट एंड सेकेंड होगा सही, चलिए देख लेते हैं, एकदम सही है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट दिया है, बिजनेस एंटरप्राइजेस नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट द कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी, फर्स्ट है। सेकेंड है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इज स्टैब्लिश एंड कैरिड ऑन। देन थर्ड वन इज बिजनेस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑल ऑफ दीज सही होगा, बिजनेस एंटरप्राइज एंड नीड्स मैनेजर टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी भी सही है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीन्स द पर्पस फॉर विच द बिजनेस एस्टैब्लिश एंड कैरिड ऑन, ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको स्टैब्लिश करना और उसके बाद उसको चलाना, फिर बिजनेस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही है। मैच द फॉलोइंग देखेंगे हम लोग, मैच द फॉलोइंग देखते हैं, तो हम लोग का दिया लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को मैच कराना है। इन सच एंड फर्स्ट दिया ए नंबर, इन सच इंडस्ट्री या बेसिक रॉ मटेरियल इन एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट फिनिश्ड गुड, एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है, जहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल को एनालाइज किया जाता है और सेपरेट किया जाता है डिफरेंट फिनिश फूड, फिनिशिंग का काम होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में। फिर अंडर दिस टू और मोर रॉ मटेरियल आर कंबाइंड टुगेदर मेक अ न्यू प्रोडक्ट, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये दो प्रोडक्ट को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वन है, इट इन्वॉल्व्स टू सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट, अब उसको मैनुफैक्चर करने का जो स्टेज है उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो जाता है। नेक्स्ट वन है, अंडर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक द फिनिश गुड, अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट को असेंबल किया जाता है, बनाया जाता है, वो किस में, असेंबलिंग इंडस्ट्री में होता है। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट होता है। और उसके बाद हम लोग देखें कि नेक्स्ट यहाँ पे वो फर्स्ट में थे, क्या फर्स्ट में था कि सेपरेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में, कंबाइंड किया जाता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री में, उसके बाद देखेंगे तो मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उसके बाद अगर असेंबल का बात करेंगे तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये चार इंडस्ट्री में ये डिफरेंट डिफरेंट
काम होता है, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट बन के आता है हमारे सामने। चलो यहाँ तक हम लोग देख के उसका 22 देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर इंक्लूडेड। देन कॉमर्स के अंदर हम लोग का दोनों होता है, दो पार्ट में होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, करेक्ट होगा, यह हमारा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से एक स्टेटमेंट आ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा DSSSB के एग्जामिनेशन में आपका बहुत सारा ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला मिलता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, बट आपको स्टेटमेंट को पहले पूरे ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा और जो नेगेटिव होगा जो आपको लगेगा उससे रिलेटेड नहीं है तो वो जो बात जो नेगेटिव होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ऑल दोज एक्टिविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर इज कॉल्ड ट्रेड, फर्स्ट वन। तो ये हम लोग सेकेंड देखते हैं, कॉमर्स एम्ब्रेस द दोज एक्टिविटी विच ऑल आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द फ्री फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों ही सही लग रहा है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दोनों ही सही होगा, दोनों करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, चलिए वो थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम था तो वो क्लियर कर लिए। थर्ड ऑप्शन है कि कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन वो टू है आपका, टू ऑप्शन में है कि सेकंड एंड थर्ड, थर्ड वन तो करेक्ट है, कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। कॉमर्स क्या करता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक का काम करता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स का ये आपका काम है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक का काम करता है। तो ये तो एकदम करेक्ट है हम लोग का थर्ड ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या था, कॉमर्स एम्ब्रेस ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी टू मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी करेक्ट है मेरा, तो फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग है, सॉरी हम बोल मैंने बोल दिया था कि फर्स्ट करेक्ट है, देन यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल दोज एक्टिविटी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर इज कॉल्ड ट्रेड, ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग, 24 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स। तो क्या है जो फैसिलिटेट बढ़ावा देता है सेल ऑफ गुड्स को, तो आप लोग जानते हैं कि गुड्स का सेल करने के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, और एडवर्टीजमेंट जो आता है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेड, क्या है रिगार्डिंग ट्रेड के अकॉर्डिंग करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इट इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये तो करेक्ट है। इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये भी बात सही है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ और यूजर्स, ये भी बात सही है। तो तीनों बात हमारी सही हो गई, देन हम लोग का ऑप्शन हो गया क्वेश्चन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आएंगे 26 पे, 26 है हमारा मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में हम लोग मैच करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन सही है। तो यहाँ 2, 3, 1, 4 का यहाँ पर चल रहा है, देन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन लास्ट क्वांटिटी होल सेल ट्रेड होता है, लास्ट क्वांटिटी में जो हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो होल सेल ट्रेड होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ये हो जाएगा फॉरेन ट्रेड। हम लोग जानते हैं टू और मोर कंट्री में करते हैं तो वो फॉरेन ट्रेड हो जाए। सेल ऑफ गुड्स ऑफ टू अ फॉरेन कंट्री, गुड्स को सेल करते हैं फॉरेन कंट्री में तो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब एक्स से याद रखना कि वो बाहर जा रहा है, एक्स के याद रखना है बाहर, और इंपोर्ट में आपका IM से याद रखना है वो अंदर आ रहा है। तो एक्सपोर्ट में बाहर है, इंपोर्ट में अंदर आता है। परचेज गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री मतलब बाहर से अंदर आ रहा है तो ये इम्पोर्ट हो गया।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता चलता है कंज्यूमर्स को कि प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क सच एज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर थेफ्ट एंड एज एक्सीडेंट। तो ये आपका इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन देता है रिस्क से, अगर कोई भी थ्रेट हो जाता है आपका तो ये इंश्योरेंस जो है वो आपका हेल्प करता है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर हर चीज़ का, बाइक का इंश्योरेंस करा लो, ये करा लो, घर का इंश्योरेंस करा लो, लाइफ का इंश्योरेंस करा लो, ये क्या करता है आपका हेल्प करता है रिस्क को कवर करने में। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ प्रोफेशन इज समथिंग विच मोर देन अ जॉब। ये एकदम सही बात है, प्रोफेशन ये समथिंग है जो मोर देन जॉब है, ये एकदम बात सही है। दोज इंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, एकदम सही बात। इट इज़ कैरियर फॉर सम वन हु इज़ द कॉम्पोनेंट टू देयर रिस्पेक्टिव एरिया, एकदम सही बात है ये भी। तो ये तीनों ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है हम लोग का। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या है, प्रोफेशन इन्वॉल्व्स अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशन बिटवीन द प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट्स। तो ये प्रोफेशन जो है इन्वॉल्व कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन बनाता है, जो प्रैक्टिशनर और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप बनाता है वो कॉन्फिडेंशियल, वो कौन बनाता है, प्रोफेशन बनाता है। इट इज़ बाउंड बाय डिस्टिंक्टिव एथिकल कोड, एथिकल कोड से बाउंडेड होता है प्रोफेशन। नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेशनल अर्न मोनेटरी गेन्स बाय चार्जिंग प्रोफेशनल फीस। मोनेटरी गेंड होता है, जैसे डॉक्टर जो प्रोफेशनल है तो वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं फीस देखने का आपको, ये रेस्क्यू करने का मतलब आपको इलाज करने का। नेक्स्ट देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल एंड ग्रुप। देन यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 31 का, यहाँ पे हो जाएगा सी, थर्ड नंबर RSBDC। ये जो है वर्क करता है बेनिफिट एंड सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको याद, तो यहाँ पे वर्क करता है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल, जो सोशली और इकोनॉमिकली जिसको प्रॉब्लम होता है उसके लिए क्या करता है एक रूप, ये RSBDC हेल्प करता है उसका। इसका फुल फॉर्म है आपका रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट जो है ये RSBDC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC वेयर लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है 1978 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया है, बिजनेस जो है हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो ए का नंबर 2 हो जाएगा आंसर। प्रोफेशन जो है वो हमेशा फी के लिए है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सैलरी के लिए होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड अर्निंग, तो ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं स्लाइड पे। ऑल द एक्टिविटी इंक्लूड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स आर कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। जो भी प्रोडक्शन हो, सेल ऑफ गुड्स हो, ये जो है प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स जो है वो हम लोग का क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी होता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ये कट गया है जो ऊपर वाला है इसलिए उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे उसको लास्ट में क्या है। बिजनेस इन्वॉल्व इन एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में जो रिस्क होता है वो ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद बिजनेस इंक्लूड ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम बाई, तो यहाँ पे बिजनेस जो इंक्लूड करता है ऑल द ऑक्यूपेशन को जो बिजी है अर्निंग करने में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके, फिर है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ कंसर्न विथ मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये जो होगा मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग, तो ये आपका किसके अंदर आएगा, फाइनेंस के अंदर आएगा, ये फाइनेंसिंग हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग को, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट और जनरेशन ऑफ फॉर सर्विसेज, ये प्रोडक्शन हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कंसीडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट, एकदम सही बात है, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस, तो ये भी बात एकदम सही है, पॉसिबिलिटी होता है लॉस ऑफ बिजनेस का। लव सिंपैथी एंड अफेक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एकदम गलत बात, ये तो एकदम गलत है, बिजनेस में कोई फीलिंग्स का यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई काम ही नहीं है, फीलिंग का, तो ये तीनों आपके फीलिंग में आते हैं और इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर टू में है ये। उसके बाद अगर देखेंगे तो नेक्स्ट है 41, 41 बोला विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एंड सोशल, ये आपका सही हो जाता है, इकोनॉमिक और सोशल ही एक्टिविटी होती है, दो टाइप की एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेकंड है आपका, सेकंड यहाँ कट गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्वाइवल इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव, ये आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है, सर्वाइवल लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग, सर्वाइवल इज़ अ सोशल एक्टिविटी, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, सर्वाइवल इज़ अ सोशल एक्टिविटी, देन ये ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज सोशल एक्टिविटी, ये एकदम थर्ड करेक्ट है, देन फर्स्ट एंड थर्ड वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फिर से स्टेटमेंट आ गया मेरा, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन बिजनेस, देन ये तो एकदम सही बात है कि कोई क्वालिफिकेशन का बिजनेस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ माइंड गेम चलता है, यहाँ पे आपको माइंड अपना चलाना है कि कैसे कैसे हम लोग प्रॉफिट अर्न करें। इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आप जाके कहीं काम करते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है, उसके बाद इन प्रोफेशन देर आर वेरी लिटिल रिस्क, तो यहाँ पे प्रोफेशन में क्या होता है, आपके हाथ का काम है, उसमें रिस्क तो होता ही नहीं है, आया तो कर दिए और वैसा कुछ रिस्क उसमें नहीं दिखता है, तो ऑल ऑफ दीज सही है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा स्टेटमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया मेरा, इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इन टू द थ्री पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एकदम सही है, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, मैं जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया हूँ, तो ये सही है। द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट द सस्टेन डैमेज, क्रिएट एंड सस्टेन डैमेज, तो ये भी हम लोग का सही है, देन यहाँ पे भी जो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट ही का ऑप्शन है यहाँ पे, कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, एकदम सही बात है, कॉमर्स जो प्रोवाइड करता है हम लोग को, ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग गुड, एकदम सही बात। उसके बाद नेक्स्ट है कि एडवर्टाइजिंग कम्स अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री, एकदम गलत बात है, एडवर्टाइजिंग ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड के अंदर आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन नंबर टू सही है मेरा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, तो इसके बाद हम लोग ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपका जो है, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देंगे, ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी जो कंप्लीट स्लाइड बची हुई है जो 5-6 क्वेश्चन की, वो आपका डायरेक्शन एंड कोड्स वाला है, वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, ये DDBB के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो है वो मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा जो चैनल है उसको
ये सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप बताइए कि आपको जो कॉमर्स के किस सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर एक लेक्चर बना के दूंगा। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है पूरे PGT सिलेबस की, जिसको मैंने पढ़ के PGT के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन को। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग, जिसके रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए वो आप बताइए, और उसके बाद हाँ मैं आपको उसको प्रोवाइड कराऊंगा और उसको लाइन बाय लाइन डिटेलिंग भी करूंगा, और साथ साथ उसके MCQ क्वेश्चन भी आपको दूंगा। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलेंगे। अभी पहले MCQ बेस्ड पे हम इसको चल रहे हैं, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसे समरी को भी समझाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आर क्लोज, देन हम लोग MCQ से भी बहुत सारा चीज़ समझ सकते हैं। तो एक ये कोशिश है, जिसको अगर आप लोग ये वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे तो अच्छा होगा, फिर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।